नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 28 में क्या है, सीरीज दी है 3, 7, उसके बाद क्या है 13, 21 और 31। इसमें देखते हैं 3 में अगर हम अगर इसका स्टडी करें तो क्या हो रहा है, 3 में हम प्लस 4 जोड़ दें तो 7 आता है, फिर प्लस कितना जोड़ दे इसमें कितना 13 आ जाए, 6 जोड़ दे 13 आ जाएगा, फिर प्लस 8 जोड़ दे तो 21 आ जाएगा, और 21 के बाद प्लस 10 जोड़ दे तो 21 10 31 हो जाएगा। तो सीधा सा है, आगे हम क्या जोड़ेंगे, 10 के बाद सीधे 12 जोड़ देंगे, तो 31 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 3 ये और ये 4। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी तरह आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या है FUGT, आगे है HSIR, JQ, KP, ठीक है, तो इसमें क्या देखे, अगर देखे तो FG, उसके बाद HIJK, ठीक है ये चल रहा है, तो G और ये भी चल रहा है HGH, और ये I, I के बाद J, ठीक है, तो ये सीक्वेंस चल रहा है, और इसमें जो है ये जो किस पे दिया है, इवन नंबर पे दिए हैं P, ठीक, P और Q, तो ये उल्टा चल रहे हैं, ये इस तरफ चल रहे थे ऐसे, ये ऐसे चल रहे हैं इस तरफ, ठीक है, और बाकी क्या है रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक, बाकी क्या है रिवर्स ऑर्डर में चल, तो आगे हम इसको लिख ले पहले, ठीक है, तो ये केपी चल रहा है, जे के बाद क्या आता है एल, ठीक है, अभी पहला लिखा है ये पहला है, उसके बाद एक छोड़ देते हैं, ठीक, उसके बाद एल के बाद एम, फिर ये छोड़ दिया, अब इसमें क्या है रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तब आएगा, देख ठीक है देख लेते हैं आगे क्या होगा। अब रिवर्स ऑर्डर में देखे तो इसमें क्या आ रहा है, ये पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, इसके बाद आर, आर एस, एस टी यू, ठीक है, तो ये ऐसे चल रहा है, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या होगा, पी के पहले देख लेते हैं क्या आता है, तो पी के पहले क्या आएगा, पी के पहले ओ आता है, ठीक है, तो क्या करें यहां पर ओ लिख लें, ठीक, ओ के पहले क्या आता है एन आता है, ओ के पहले हम एन लिख लेते हैं, तो ये क्या बन गया एन ओ ओ पी, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, आर एस टी यू, ठीक, ये सारा बन गया, तो आंसर हमारा क्या होगा एल ओ एम एन, एल ओ एम एन कहां पे है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, 30 में क्या है ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू, तो इसको लिख ले अगर हम, तो इसको अगर डिजिट में ही लिख लेते हैं तो बेहतर होता है, डिजिट में ही लिखे तो ए को क्या लिख सकते हैं 1, सी को 3, ई को 5, ठीक है, आगे जी आई के को, जी को 7 लिख सकते हैं, इसको 9 लिख सकते हैं, आई को 9 लिख सकते हैं, और के को के 11 होता है, के कैसे 11 होता है, के ये होता है तो के एक ये डंडी हो गई, इसको खड़ा कर लो ये 11 हो गया, के 11 हो गया, और एम M13 होता है, O15 होता है, और Q क्या होता है 17 होता है, ठीक, तो ये सीरीज चल रही है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, तो इसी तरह आगे सीरीज क्या चलनी चाहिए, आगे चलनी चाहिए 17 के बाद 19 आना चाहिए, 19 के बाद 21 आना चाहिए, और 21 के बाद 23 आना चाहिए, तो इसको अगर हम अल्फाबेट में लिखे तो अल्फाबेट में क्या आ जाता है, ये क्या लिख सकते हैं अल्फाबेट में इसको हम, 19 S होता है, 21 क्या होता है 21 U होता है, और 23 W होता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में देखें SUW ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, SUW,